हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल फटाफट सीखे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप सैमसंग कंपनी का जो टीवी है उसमें माउस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करने के बाद कौन कौन सी सेटिंग आपको करनी चाहिए जब आप गेम खेलते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। अगर आपने अभी माउस को कनेक्ट टीवी में नहीं किया है तो आप इस वीडियो को देखिए कैसे सारा स्टेप होता है। मैं आपको शायद ने लाइव करके दिखाऊंगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आपको पहले हम ले चलते हैं टीवी पे बैक साइड में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए माउस यहाँ पे लगा हुआ है, या मैं चलिए आपको निकाल के दिखा देता हूँ दोबारा से। ये देखिए ये यूएसबी है, और ये देखिए यहाँ पे मैं माउस रख रखा हूँ ताकि नीचे ना गिरे। ये देखिए, ठीक है। अब मैं इस क्या करूंगा, इस माउस को, इस प्लग को यहाँ पे पीछे बैक साइड में होता है ऑप्शन, सारी टीवी में होता है। आपके पास सैमसंग है तो सैमसंग में भी बैक में ही होता है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, मैं आपके सामने ही दिखा रहा हूँ, दिक्कत हो रही है हल्का सा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, लग गया। अब लगने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको आ जाना है वापस अपने टीवी के स्क्रीन पे। ठीक है, उसके बाद हमें चलना है सेटिंग में। तो चलिए आपको ले चलते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे आ जाना है, जनरल का एक ऑप्शन होता है, जनरल पे जाके आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिए, इसके बाद आपको यहां पे देखिए आधा एक ऑप्शन एक्सटर्नल डिवाइस मैनेजर का, तो हमें इस पे जाके क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे आ रखा है इनपुट डिवाइस मैनेजर। ठीक है, इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, माउस को बोलते हैं, कीबोर्ड्स को बोलते हैं, तो ये दीजा था इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी देखिए माउस का आइकन वगैरह बना हुआ आ रहा है, कीबोर्ड का बना रहा सॉरी। तो इस पे क्लिक करेंगे इनपुट डिवाइस मैनेजर पे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आ रहा है, ब्लूटूथ का ऑप्शन आ रहा है, कीबोर्ड सेटिंग का आ रहा है, माउस सेटिंग का आ रहा है। तो आपको फाइनली ये माउस का ऑप्शन यहाँ पे मिल गया है। मैं आपको बीच में ये भी दिखा देता हूँ कि माउस हमारे टीवी में कनेक्टेड है, ये देखिए। ठीक है, देखिए इसमें लाइट ऑन है, यहाँ आप देख सकते हैं लाइट जल रही है, मतलब माउस कनेक्टेड है टीवी से। ये देखिए इसकी वायर, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ, अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो आपको माउस में कहाँ से क्या सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद माउस सेटिंग में जाना, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी बटन है, यहाँ दबा लिखा हुआ सेटिंग में लेफ्ट, पॉइंटर स्पीड स्टैंडर्ड, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी बटन को आप राइट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो लेफ्ट रखना है तो लेफ्ट रखिए, तो मैं अभी यहाँ पे लेफ्ट ही रखता हूँ। पॉइंटर स्पीड को स्टैंडर्ड करना है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑलरेडी है, स्लो करना है आपको अपने हिसाब से, ऐसे स्टैंडर्ड बहुत सही सेटिंग है। फास्ट करना तो आप फास्ट भी कर सकते हैं। तो यही बताना था दोस्तों कि माउस में को कैसे टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, और सेटिंग क्या क्या है जो आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग।